बॉल में। जब एक माता अपने भक्त पर इस प्रकार का स्नेह करती है तो वो दृश्य अपने आप में ही रमणीय हो जाता है। नारायण नारायण, देवी पौलमी देख रही है ना किस प्रकार संतोषी का अस्वस्थ होना भी उसी के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। इसी बहाने उसे माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ का आलिंगन तो मिल रहा है जिसके लिए वो सदैव आतुर रहती है। नारायण नारायण, देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं देवर्षि, किंतु संभवतः आपको ये स्मरण नहीं कि ये देवलोक के संविधान के विरुद्ध, देवताओं को मनुष्य से इतनी निकटता रखना वर्जित है। देवी संतोषी ने देवलोक के नियमों को भंग किया है। नारायण नारायण, परंतु देवी पौलमी भक्त है तो ही भगवान है और ये सत्य समस्त संसार को ज्ञात है और इसीलिए ब्रह्म देव ने देवी देवताओं की नियुक्ति की है ताकि वे अपने भक्तों को उचित जीवन जीना सिखा सके, उनके द्वारा प्रेम के बीज बोए, उन्हें स्वयं प्रेम करें ताकि उन्हें सदैव इस बात की अनुभूति रहे कि समस्त संसार में वे अकेले नहीं हैं, उनका ईश्वर सदैव उनके साथ है। नारायण नारायण। देवर्ष, धरती लोक पर कोई चिकित्सक नहीं है क्या जो ये अनुभूति दिलाने के लिए देवी संतोषी को स्वयं धरती लोक जाना पड़ा? नारायण नारायण, कैसी बातें कर रही हैं आप देवी पौलमी। संतोषी को जो रोग हुआ है पृथ्वी लोक के चिकित्सक उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसके लिए माता संतोषी को स्वयं पृथ्वी लोक पर जाना पड़ा। और तो और देवी पौलमी, ये भी ज्ञात हुआ है कि संतोषी के शरीर में जिस विषाणु ने प्रवेश किया है उसकी उत्पत्ति पृथ्वी लोक पर नहीं परंतु असुर लोक में हुई है। असुर लोक में? देवी पौलमी, हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, क्या असुर मनुष्यों पर इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है ना देवी पौलमी कि कोई अपनी व्यक्तिगत शत्रुता के कारण इस प्रकार का कार्य करने का दुस्साहस कर रहा हो। संतोषी माता तो उन्नत कार्य करने के लिए ही पृथ्वी लोक पर गई है और यदि आप इस विषय पर विस्तार से सोचेंगी ना देवी पौलमी तो आपको ज्ञात होगा कि संतोषी माता की चिंता व्यक्तिगत नहीं है, वे तो केवल इसलिए व्याकुल हो रही हैं कि संतोषी के शरीर में जिस विषाणु ने प्रवेश किया है यदि उसका विस्तार हो गया तो समस्त संसार दुविधा में पड़ जाएगा। नारायण नारायण। वैसे देवी पौलमी, आप तो स्वयं असुर लोक की है ना, तो आपको तो ज्ञात होगा कि ये विषाणु कितने हानिकारक हैं, कितने घातक हैं। कदाचित आपको तो ये भी अनुमान होगा देवी पौलमी कि ये कार्य किसने किया है। नारायण नारायण। देवी पौलमी, हमारा ही तो कार्य है देवता और मनुष्य के संबंधों को स्वस्थ बनाए रखने का। अब हमें आज्ञा दीजिए देवी पौलमी। नारायण नारायण। देवर्षि, गुड्डू बेटा, इससे पहले कि हमारी आवाज फटे हुए ढोल की तरह हो जाए ना, हम और नहीं चिल्ला पाएंगे। संतोष जी, कृपा करिए, अपनी कृपा करिए माँ। पता नहीं ये करमजली संतोषिया कहाँ चली गई, हमारे तो नसीब ही फूटे हैं। पहले उसे भगाने में अपना दिमाग दौड़ाओ और उसे ढूंढने में अपनी जान फूको। जी जी जी, एकदम सही कह रही हैं। देवर जी, क्या हुआ, अब कुछ पता चला संतोषिया का? हे बड़की बाबूजी, तुम्हारे कान में भी क्या मैल घुसी रहती है, सुनाई नहीं दिया हमने जो कहा, उड़ गई है संतोषिया। दिया, पहली बुझा ली, अब जरा बकरोगे कि का बात है, हुआ का? जाओ थोड़ा सा पानी ले आओ, प्यास के मारे हमारा गला सूख गया है, जाओ। कहा करती थी ना कि फुर से ये कर दूंगी और फुर से वो कर दूंगी, अब वो उड़ भी गई है फुर से।
हम खुद ही ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, कहीं नहीं मिली हमें। चुप कर बेशरम, कीड़े पड़ेंगे तुम सब लोगों को। तुम्ही लोगों ने हमारी बच्ची को घर से निकाला था, अब ढूंढने का नाटक कर रहे हो। माँ सच कह रहे हैं, इस बार तुमसे ज्यादा हम लोगों को संतोषिया के खोने का दुख है। अरे अजीत जी सही कह रही हो एकदम, संतोषिया की कितनी कीमत है ना, वो सिर्फ हम ही जानते हैं, उसके जाने की कमी हमें खल रही है। हमारे तो कलेजा बार बार कांप उठता है, पता नहीं क्या हाल होगा हमारी संतोषिया का। संतोषी माँ, आपके अलावा हमें किसी पे भरोसा नहीं है। हमारी बच्ची की रक्षा करना माँ, और उसे जल्द से जल्द हम तक पहुंचा देना। नमस्कार, क्या हुआ? लगता है संतोषी आ गई। आ छोटी, अब क्या हुआ? बाबूजी आए हैं। हाँ बाबूजी। अरे क्या है ना, वो हमारे यहाँ अमीर लोग जरा कम ही आते हैं, तो इसलिए वो घबरा गई थी। आप खड़े कहाँ हैं? आइए ना अंदर, आइए आइए। हाँ, आइए आइए। बैठिए ना बैठिए। देखिए बाकी सब काम हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम अपने संतोषी से मिलना चाहते हैं। आप हमें संतोषी से मिलवा दीजिए और उसके बाद हम बैठ जाएंगे। लो, अभी अभी सेसना जी संतोषिया को लेके अस्पताल चले गए। हाँ 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 हाँ। अब मिली नहीं का आपको रास्ते में? अब ऐसा है ना बाबूजी, आप पैसे हमें दे दीजिए, वो हम गुड्डू के हाथ सेसना तक पहुंचा देंगे। हाँ हाँ, पैसे तो हम आपको दे देते हैं, लेकिन देखिए दोषी को बिना मेरे जाने को हमारा मन नहीं कर रहा। हम एक काम करते हैं, हम उसके लिए इंतजार करते हैं, तब दोषी से मिल भी लेंगे और उसके चाचा के हाथ पैसे भी दे देंगे। बैठी, बैठी, छोटी, बाबूजी के लिए चाय लेकर आओ। हाँ जी जी, हम अभी अभी लेके आते। आपने हमारा बहुत ख्याल रखा, बहुत सेवा की आपने हमारी, लेकिन ऐसे और कब कब तक? हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगे कि हम अपने ही संबंधी को बिना मोक्ष के यहाँ से चले जाए। तुम्हारी अवस्था किसने की गुनासुर? हम तुमसे ही भेंट करने आए थे, किंतु गुनासुर। गुनासुर के साथ भेंट हुई? क्या उन्होंने संतोषी के रोग का उपचार बताया? हमारे वहाँ पहुँचने से पूर्व ही किसने गुनासुर का सर धड़ से अलग कर दिया। माता